हमारे अरमान इंडस्ट्री में बहुत ही अर्जेंट वैकेंसी आई हुई है, लड़कों के लिए भी और लड़कियों के लिए भी। लड़का जो है वो आपका जो टेक्नीशियन के लिए है, कोई भी पोस्ट के लिए घर पे जाना है, उनको मशीन चालू करना है, बताना है, उनको रहने खाना पीना सब चीज़ सब इस कंपनी के अंदर छत के नीचे प्रोवाइड किया जाएगा। उनको कोई भी टेंशन नहीं है कि कहीं कोई भी राज्य से है, कोई भी स्टेट से आ रहे हैं। और लड़कियों के लिए जो है वो सुविधा है हमारा ऑफिस वर्क के लिए, जो लोग हैं अपना CV लेकर के और रिसेप्शन के लिए, टेलीकॉलर के लिए, डीलिंग के लिए, फिर आपका कस्टमर रिलेशनशिप के लिए, अकाउंटेंट के लिए, तो बहुत सारी वैकेंसी पोस्टेज हैं। और लड़कों को खास करके जो बाहर से हैं, जिनको ऐसा है कि हमें रहने खाने की समस्या है, वो निश्चिंत रहें, कहीं से भी आएँ, बस उनको सीखने में जो समय लगेगा उसके बाद अच्छा व्यवस्था उनके लिए किया जा रहा है। आप आ करके सैलरी की बात कर सकते हैं क्लियरली कि आपको कितना पेमेंट चाहिए, या आपका वर्क के अकॉर्डिंग हम आपको सैलरी सारा बता देंगे, तो आप इससे भी रिलेटेड बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी प्रकार का भी जॉब लेना चाहते हैं तो आज हम आ चुके हैं अरमाइन इंडस्ट्रीज में। अगर आप भी किसी भी प्रकार का हेल्पर, टेक्नीशियन, टेलीकॉलर, कई प्रकार की जॉब होती हैं जो कि ये कंपनी आपको प्रोवाइड कर रही है, तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करेंगे कि दोस्तों कितने उम्र के लोगों को ये काम मिलेगा। तो अभी आपका मतलब 18 साल से प्लस होना चाहिए ऊपर, तो उसे लेकर के आपका लगभग 40 साल तक। तो किस प्रकार का काम करना होगा यहाँ पर आप बताइए मैडम से। हेल्पर का है, मशीन उठाने लोडिंग करने का काम है, टेक्नीशियन का काम है, फिर आपका वर्कर का काम है, फिर लोडिंग अनलोडिंग वाले लोगों का काम है, जो फील्ड में घूमते हैं इंस्टॉलेशन करने के लिए टेक्नीशियन इंजीनियर उन लोगों का काम है, जो ITI किए हुए हैं उनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होने वाला है, तो ऐसे लोग आके अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैम बताइए कि क्या पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है या फिर बिना पढ़े लिखे लोगों की? नहीं, जो थोड़ा बहुत पढ़ना लिखना जानते हैं, इंटर ग्रेजुएशन किए हुए हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं किए हुए तो उनको हम लेबर वाला काम देंगे, फिर जो वर्कर वाला काम होता है, नहीं तो जो ITI किए हुए उनको डायरेक्ट टेक्नीशियन पोस्ट के लिए ज्वाइन करवाएं। इसके बाद मैम बताइए कि रहना खाना फ्री रहेगा या फिर जो बाहर से आएंगे कोई दूसरे जगह से रहेंगे? नहीं, रहना खाना सारा सब आपका सब ऑफिस की तरफ से उपलब्ध करवाया जाएगा। दोस्तों कंपनी का फॉर्म कैसे भरना है, कैसे अप्लाई करना है और कैसे, सबसे पहले अगर आप भी जॉब लेना चाहते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इस वीडियो को इस तरीके से लाइक करिए, उसके बाद यहाँ पर काला रंग का सब्सक्राइब बटन है उसको दबाइए, उसके बाद घंटे का निशान आएगा, उसके बाद दोस्तों ऑल वाले बटन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप ये काम कर लेंगे उसके बाद आपको आना है कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है और दोस्तों यहाँ पर लिखा है अप्लाई नाउ, फी है बिल्कुल फ्री, यानी कि आपको बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ लिंक है, इस पर आप क्लिक करिए और गूगल में आने के बाद आपकी ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। दोस्तों आप जैसे ही ओपन करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका job.com आ जाएगी और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली ही वेबसाइट आपको मिलेगी बेरोजगार अड्डा। दोस्तों अगर आपको नहीं मिलता तो नीचे आ सकते हैं, लेकिन हमेशा आपको ऑफिशियल वेबसाइट आपका job.com बेरोजगार अड्डा पे ही आना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही दोस्तों आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट, जैसे ही आप आएंगे नीचे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि वर्क फ्रॉम होम जॉब 2023 नो एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है और नीचे ही आपको रीड मोर का बटन है, इस पर आप क्लिक करिए, छोटी सी ऐड आएगी देखने को, इसको आप क्लिक कट कर दीजिए। दोस्तों आप जैसे ही इस ऐड पर क्लिक करेंगे और तो दोस्तों यहां पर आपको कंपनी का फॉर्म मिल जाएगा। दोस्तों कैसे फॉर्म भरना है चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देता हूं। तो सबसे पहले आपको यहां नाम भरना है, तो जैसे कि नाम, अगर आपका एक महिला का फॉर्म भर रहा हूं मैं, उनका नाम नेहा कुमारी है तो नेहा कुमारी मैं फॉर्म में लिख देता हूं। दोस्तों उनका फोन नंबर क्या है वो आपको मैं डाल देना है, तो जो भी आपका फोन नंबर है अपना फोन नंबर डाल दीजिए। दोस्तों ईमेल आईडी आपको डालना है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से जो भी आपका ईमेल आईडी है, जैसे यहां पर आप देख सकते हैं नेहा कुमारी है, उनके पिताजी का नाम राजकुमार है, तो दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से लिख देना है। दोस्तों आपका जो शहर है वो विलेज है या टाउन है, तो दोस्तों विलेज यानी गांव और शहर मतलब टाउन मतलब शहर, तो दोस्तों ये जो जहां रहती है वो टाउन है, दोस्तों शहर है तो टाउन लिखेंगे। दोस्तों कौन सा डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो यहां पर उनको नो आइडेंटिटी देना है, तो दोस्तों आप भी बिल्कुल नो पे क्लिक लगाइए अगर आपको कोई आइडेंटिटी प्रूफ नहीं देना है। दोस्तों यहां पर ये 12वीं पास है तो दोस्तों यहां पर आप 12th लिख सकते हैं, उसके बाद आपको फुल टाइम लिखना है यहां पर कि फुल टाइम काम चाहिए या पार्ट टाइम, तो आपको फुल टाइम लिखना है। दोस्तों यहां डन करते चलना है। दोस्तों यहां पर आपको एज मांगा जा रहा है, कितनी आपकी एज है, तो दोस्तों इनकी एज 23 साल है और ये महिला है तो फीमेल लिखेंगे। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं सारा स्पेलिंग आप बिल्कुल सही से लिखेंगे, कितने आप पढ़े लिखे हैं, तो दोस्तों ये जो है कितने घंटे काम चाहिए, तो ये 10 घंटे इनको काम चाहिए, स्टेट इनका लखनऊ है और दोस्तों कंट्री इनका इंडिया है। दोस्तों यहां पर एक्सपीरियंस उनके पास 0 है और 0 लिखने के बाद दोस्तों यहां पर सबमिट का बटन है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। दोस्तों आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं डिलीवरी एड्रेस आ जाएगा और डिलीवरी आपको किस तरीके से दिया जाएगा, तो दोस्तों इसके लिए आपको कंपनी का फॉर्म मिल जाएगा, स्टेट, पिन कोड ये सब डालना है, तो
चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखाता हूँ डाल के। तो दोस्तों इनका जो लखनऊ है एड्रेस जो है वो स्टेट है, इनका पिन कोड जो है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल इस तरीके से आपको जो भी पिन कोड है वो पिन कोड अपना डाल दीजिए। दोस्तों यहाँ पर नियरेस्ट रेलवे स्टेशन उनका लखनऊ रेलवे स्टेशन है, तो दोस्तों आपका भी जो है वो डाल दीजिएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं उसके बाद परमानेंट एड्रेस भी इनका लखनऊ ही है, सिटी उनका लखनऊ है। तो दोस्तों यहाँ पर पोस्ट ऑफिस भी लखनऊ है। दोस्तों यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे आपके घर में रहती है, तो दोस्तों जितने घंटे भी आपके इलेक्ट्रिसिटी रहते हैं वो लिखेंगे, जैसे 12 घंटे, 13 घंटे। उसके बाद सबमिट का बटन है, तो सबमिट के बटन पर आपको क्लिक करना होगा। तो दोस्तों आप जैसे ही सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि आपका फॉर्म जमा हो चुका है। और दोस्तों आप जैसे ही आपका फॉर्म जमा होगा तो दोस्तों थैंक यू का बटन आ चुका है, यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, आपको जॉब मिल चुका है, आपका एप्लीकेशन चला गया है रिव्यू में। दोस्तों यहां पर आपको फोन नंबर, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप नंबर से भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो सारा का सारा प्रोसेस आप यहीं से अप्लाई करेंगे कंपनी का जॉब अगर आप आना चाहते हैं, तो सारा स्टेप आपको यहीं से फॉलो करना है। इसके अलावा मैं बताइए कि अगर जो है यहाँ पर जो भी जॉब है, अगर जिनको जॉब नहीं मिल पाता है उनके लिए कुछ है? हाँ, उनके लिए भी अलग से सुविधा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सारी मशीनें हैं हमारी तरह तरह की। ये आपका चप्पल की मशीन है, कपूर की मशीन है, फिर ये आपका पेपर प्लेट की मशीन हो गई, ये सिंगल डाई, ये आपका अगरबत्ती मैनुअल बनाने की मशीन हो गई। तो बहुत सारी मशीनें हैं, अगर उनको नहीं रोजगार मिल रहा है कहीं तो वो मात्र आपका 12,000, 13,000, 20,000, 26,000 की मशीनें ले जा करके अपना काम शुरू कर सकते हैं और एक रोजगार से बेहतर अपना एक बिजनेस चालू कर सकते हैं खुद का। तो दोस्तों अगर आप जॉब नहीं आपको मिलता है तो जॉब क्या अच्छा से अच्छा होता है कि अगर आप एक बिजनेस करना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है इसी तरीके का कई प्रकार के, हज़ारों प्रकार के बिजनेस होता है, हज़ारों प्रकार की मशीनें होती हैं जिसको चलाकर दोस्तों आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैम से जानेंगे कि क्या है, कितने रुपये से स्टार्ट कर सकते हैं, कौन सी मशीन कितने रुपये से, कितने कम बजट में कौन सा बिजनेस कर सकते हैं सबसे कम वाली में। जैसे अगर सबसे मिनिमम की बात करते हैं तो हमारा एक स्लीपर का मशीन है जो आपका 15-16 हज़ार से शुरू है, या फिर आपका अगर अगरबत्ती में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो 20,000 से शुरू है। अगर पेपर प्लेट में शुरू करना चाहते हैं रोजगार, डोना प्लेट, कटोरी, थाली का, तो वो मात्र 12,000 से 13,000 में शुरू है। तो ऐसा ऐसा छोटा छोटा रोजगार बहुत है जो 20,000-25,000 के अंदर आपका शुरू हो जाएगा। मतलब माल, मटेरियल, मशीन मिला जुला कर आप मान के चलिए 30,000 से 40,000 में आपका बिजनेस रन हो जाएगा। इसके लिए दोस्तों इसके बाद मैम बताइए कि क्या ये महिला पुरुष सभी कर सकती हैं? हाँ जी, ये आपका घर बैठे शुरू होने वाला रोजगार है। तो आप छोटा कोई भी है, लोग है या आपका बड़ा कोई आदमी है, घर में महिला है, पुरुष है, जेंट्स है, कोई भी छोटा बंदा, बड़ा बंदा, लेडीज, जेंट्स, कोई भी शुरू कर सकता है किसी प्रकार का। तो दोस्तों मैम हमारे व्यूअर्स को बताइए कि क्या रोजगार करना सही है या बिजनेस करना? देखिए बिजनेस रोजगार वही बात हो गई, तो आपका बिजनेस में अपना ही खुद का अपना एक रोजगार हो जाता है, ठीक है, कि लाइक हम एक मशीन खरीदें उससे हम अपना रोजगार शुरू कर दिए, हम उसमें 100 लोगों को और भी जोड़ सकते हैं। तो मतलब एक बिजनेस शुरू करने से हो गया कि रोजगार के प्रति हम 100 आदमी को और रोजगार दे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है यही सब मशीन चलाने के लिए, जॉब्स के लिए यहाँ पर वीडियोस आई हैं जो कि आपको कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। कई प्रकार के टेक्नीशियन, हर प्रकार की जॉब यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आप इसमें इंक्वायरी करना चाहते हैं, इनकी इंक्वायरी लेना चाहते हैं, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप जाकर वहाँ पर आप डिटेल में मिल जाएगा, कंपनी की पूरी डिटेल मिल जाएगी, कैसे काम मिलेगा, कितने रुपये आपको मिलेंगे, कितनी सैलरी होगी, सब कुछ आपको मिलेगा। अगर आप अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पर डिटेल मिलेगा। जितनी जल्दी आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करेंगे, कंपनी को कॉल करेंगे, कंपनी में विजिट करेंगे, अगर आप हर प्रकार की आपको जानकारी मिलेगी, चाहे आप जॉब के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, चाहे आप बिजनेस के बारे में, चाहे किसी भी प्रकार के मशीन के बारे में, सब प्रकार की जॉब मिलेगी। तो मैम से जानेंगे कि क्या ये सही है? जी बिल्कुल भी, आप किसी प्रकार का बिजनेस कर सकते हैं। अगर आप जॉब के लिए आ रहे हैं, अगर हमारे यहाँ पे वैकेंसी फुल हो गई, आपको जॉब नहीं मिल पा रहा है, तो आप छोटा छोटा रोजगार करके भी आप अपना काम चला सकते हैं। जैसे मिनिमम आप 40-50 हज़ार रुपये सबके पास होते हैं या 20-30 हज़ार रुपये सबके पास होते हैं, तो मिनिमम उससे शुरू होने वाला जो छोटा छोटा रोजगार है उससे अच्छा और क्या हो सकता है। तो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी प्रकार की मशीन है, कोई एक दो नहीं। अभी तो ये हमारा छोटा सा सैंपल रखने के लिए हम रखे हुए हैं, बाकी गोडाउन में और भी हमारी बहुत तरह की मशीनें हैं जो छोटे छोटे शुरू होने वाली रोजगार से भी आपको शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी इस तरीके का जॉब लेना चाहते हैं, कहीं कोई भी रोजगार करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप भी जो है इस तरीके का काम करना चाहते हैं, तो दोस्तों जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।